तो कैसे सो है कि मैं गैंग स्वागत तुम सभी का दो गेम प्लीज की एक और नई वीडियो में। ओल्ड बेसिन आ रखे हैं, उतरते एस्ट्रल के मिल जाते हैं, मतलब किस्मत काफी सही चल रही है और पूरा ओल्ड बेसिन क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब हाथ में एस्ट्रल के तो बंदों पर रश तो किया जाएगा और बंदों को बजाया भी जाएगा। अब जिसको मैंने नॉक किया ना उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बंदा भाग रहा है और इसको पूरा फिनिश डालते हैं। डीजे इस घर में बहुत सारे बंदे। अब मैंने जितना टाइम इस बंदे को फिनिश देने में लगाया ना तब तक जिस बंदे को मैंने पहले नॉक किया था वो पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता और किस कोने पे बैठ कर रिवाइव हो चुका होता है। उसका अगर मेरे को नहीं मिलता और आसपास फुटस्टेप भी इतने सारे आ रहे थे क्या ही बताऊँ, मतलब बंदे बहुत भर भर के आ रहे थे ओल्ड बेसिन में। इसीलिए इस घर के छत पे चढ़ते हैं, इस घर के नहीं दरअसल टॉप वाले छत पे चढ़ जाते हैं जहाँ से मस्त एंगल मिलता है पूरे पूरे ओल्ड बेसिन का और यहाँ से फिर बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इतने में एक बंदा दिखता है, वैसे इस क्लाइन के एक बंदे को मैं पूरा फिनिश डाल चुका हूँ और ये बंदा भी यहाँ पर पूरा फिनिश हो चुका है। अब जैसे इस घर के आता हूँ ये भाई साहब भागते हुए मिल जाते हैं जो कि इसी क्लाइन के बंदे होते हैं, मतलब इन्हीं के स्क्वाड का बंदा होता है। फिलहाल इसको इग्नोर मारते क्योंकि पीछे की तरफ मेरे को एक बंदा जो भागता हुआ दिखा था ना पीले वाले बिल्डिंग में, अभी तक वो वहीं पर है। वैसे हल्का सा मिस हो गया, अगर थोड़ी देर पहले ये बंदा अपनी खोपड़ी दिखा देता तो पक्का परफेक्ट नेट पड़ने वाला था। इसको मैंने काफी गंदा डैमेज दिया था। लेकिन जैसे मैंने सोचा इसके ऊपर रश करते इतने मेरे को पीछे की तरफ से बहुत बुरी तरह से पड़ती है एचपी, तुमने अभी देखी होगी। और मैं ऊपर मतलब इस घर के अंदर घुसते घुसते गेट बंद कर गया था जिसकी वजह से क्वीन बाहर रह जाती है और उसकी पेटी बन जाती है। अब क्या है ना सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच हो गया तो काफ़ी ज़्यादा और भी मज़ा आने वाला। फिलहाल इंटेंस सिचुएशन देख सकते हो काफ़ी बनी पड़ी है। अब यहाँ पर एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके। अब यहाँ पर इस बंदे को नॉक कर दिया गया और इसका एक लास्ट टीममेट बचा है जो कि पीछे कंटेनर्स की तरफ होता है और हाँ उस बंदे से काफ़ी देर तक यहाँ पर थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है। लेकिन हम भी ठहरे ढीट, कंप्लीट पेटी बनाई बेचारे की जो नॉक पड़ा था यहाँ पर। अब सीधा इस करके वापस से छत पे चढ़ जाता हूँ और छत पे चढ़ते मेरे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये भाई साहब यहाँ से भागने की तैयारी में, मतलब प्लान कर चुके थे, आधा दूर तक ही निकल भी गए थे लेकिन मेरे एके एम की एमओ खत्म हो जाती है यहाँ पे, इस कारण से ये बच जाते हैं। फिलहाल नीचे की तरफ कूदते हैं और इसकी पेटी से M4 उठाते हैं पहली फुर्सत में। अब वो बंदा देखो पीछे की तरफ जाकर चुपचाप बैठ गया, मतलब मेरा वेट कर रहा था कब इसकी पेटी लूटने हो। लेकिन हम भी थोड़े शातिर से दिमाग के हैं ना, हम नहीं जाएंगे अब इससे आगे जाएंगे नहीं उससे फाइट वेट लेने क्योंकि वो बंदा फॉल बैक कर चुका है और ओपन में जाकर अपनी पेटी बनवाने का शौक मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। इस घर के छत पर आता हूँ, मेरे को और बहुत सारे फुटस्टेप आते हैं। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा एक बंदा इस घर के छत पर आ रहा है और एस्ट्रल के निकालते हैं, सॉरी क्या मैंने कहा एस्ट्रल के। देखो यार एस्ट्रल का तो यूज़ तभी होता है जब लगे कि नहीं यहाँ पर भाई सिचुएशन ही नहीं है सही, तब एस्ट्रल का यूज़ किया जाता है वरना ऐसे M4 सही है यार। अब मैंने सोचा था इस बंदे का किल चुराऊंगा लेकिन यहाँ पर ये किल चला ही जाता है एट द एंड, रिलोड करने की बहुत बुरी आदत। अब एक बंदा देखो पीछे की तरफ कितने मासूम बन के बैठा हुआ है। अब दो बंदे स्क्वाड के भी यहाँ पर निपटा दिए गए। अब मुझे फुटस्टेप से पता चल गया था कि बंदे ने फॉल बैक किया, पीछे की तरफ भाग चुका है वो पूरी तरह से। अपन वापस से ओल्ड बेसिन एकदम टॉप वाले घर पे जाते हैं जहाँ से पूरा ओल्ड बेसिन क्लियर दिखता है मस्त एकदम मक्खन की तरह। और फिर देखो बंदा सामने की तरफ था जो कि नेट करने में लगा हुआ था, मेरे को पहले कोई आइडिया नहीं था ना तो कोई पता भी नहीं था बंदे की लोकेशन के बारे में, अचानक से दिखता है। अब डैमेज तो मैंने काफ़ी सही दिया है, वो बात अलग है अगर उसको गोलियां रेंडर नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे साथ अपडेट के बाद। एस्ट्रल के निकालते हैं और बजाते हैं। अब इसको नॉक डालते ही थोड़ा सा फॉल बैक कर लेता हूँ क्योंकि एचपी मेरी बची नहीं थी और इस एचपी पे किसी से फाइट नहीं ले सकता था। वैसे इसका टीममेट वहाँ पर है नहीं लेकिन फिर भी
भाई अपनी सुरक्षा अपने साथ लेके चलो, पीछे की तरफ आ जाता है, फॉल बैक हील वगैरह करके इसकी पेटी कंप्लीट बनाई यहाँ पर। अब देखो ओल्ड बाइसन मेरे को और बंदे नहीं दिख रहे थे, जो भी दिख रहे थे यहाँ पर बॉट ही दिख रहे थे एक आधा, तो इनको इग्नोर मारकर सबकी पेटियाँ लूटते और बाइसन पूरा क्लियर, जितने भी सारे बंदे आते हैं सबकी पेटी लूट लेते हैं एकदम आराम से, मामला पानी सेट करके वापस से इसी स्क्वाड हाउस के पास आता हूँ और यहाँ पर बॉट निपटाते हैं फिर एक। अब यहाँ पर डुकाटी भाई साहब कतई मतलब पॉट्स के नाम भी गाड़ियों के भाई हैवी हैवी गाड़ियों के नाम है, ये बंदा तुमको स्पॉट हो ही गया होगा। और ये बंदा आरपीजी लेकर आया था, यहाँ पर डीसिंग देखना कितनी बुरी तरह से होता है। काफी सही जा रहा था गेम, लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी डीसिंग भाई साहब जो भी हुआ सीन बहुत मस्त था, मैं भी यहाँ पर फिनिश हो गया, प्लस वो बंदा जो इसने आरपीजी पकड़ी थी वो भी फिनिश हो गया अपनी आरपीजी से, तो मेरे एस्ट्रल के से वो फिनिश हुआ और उसकी आरपीजी से मैं फिनिश हुआ हूँ, जैसे को तैसे वाला सीन हो गया। पर वापस से ओल्ड बाई सीन आ चुके हैं, ओल्ड बाई सीन में एक भी बंदा नहीं आया था, पर बोटो की तरफ बहुत बुरी तरह से फाइटिंग चली थी, ये वाला गेम काफी तगड़ा जाने वाला है, पिछला गेम भी काफी तगड़ा जा रहा था। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी गेमर गैंग के साथ सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल, जाकर वहां पर भी फॉलो कर लो। फिलहाल प्रमोटरी चलते हैं और दूर से मेरे को दो बंदे स्पॉट होते हैं, बहुत बंदे हैं वहां पे, एक को रॉक डाला यहाँ पर, अब इसका एक और टीममेट, एक नहीं दरअसल दो टीममेट रहते हैं जो कि गैरेज की तरफ दौड़ते हुए मिल जाते हैं, एक को तो पहले मस्त एंगल निकाल के यहाँ पर नॉक डालते हैं। नहीं बना यार, कल बनाएंगे। और मुझे नहीं पता इन लोगों ने अभी भी किन बंदों से फाइट लिया, क्योंकि यहाँ पर दो स्क्वाड थी और ये लोग आपस में फाइट लिए थे अभी अभी, तो सारे के सारे बंदे ना डैमेज पड़े हुए यहाँ पर, दो बंदों को तो मतलब जस्ट दो दो गोलियां यहाँ पर टिकानी पड़ी और दोनों के दोनों नॉक पड़े हैं। और इसके जो टीममेट रहते हैं भैया अखंड नेक्स्ट लेवल के टीममेट रहते हैं, मतलब छोड़ के चले गए हैं, रिवाइव रिवाइव नाम की चीज ही नहीं है। इसको यहाँ पे फिनिश डाला, अब सबसे ज्यादा बुरा मेरे को इसके दूसरे टीममेट के लगता है, जिसको मैंने गैरेज पे नॉक किया था, मतलब उसका टीममेट उसके पास था लेकिन फिर भी छोड़ के भाग गया, वो रिवाइव दे सकता था उसको। वैसे प्रमोटरी में सिर्फ दो ही किल के साथ संतुष्ट होना पड़ता है मेरे को, बाकी के और भी दो बंदे रहते हैं जिसको कि मेरे टीममेट निपटा देते हैं। अब यहाँ पर सीधा ड्रॉप पे आ जाते हैं, ड्रॉप से मेरे को मिलती है M249 और पता नहीं क्यों ये मैं उठा लेता हूँ, और हाँ इस M249 से काफी ज्यादा कमाल होने वाले हैं फिलहाल अभी मैच में, क्योंकि जस्ट पीछे जो है ना अपार्ट्स वहां पर पायलट प्लाजा के बंदे आए थे और उन लोगों ने अभी भी जस्ट दो फ्लेयर ड्रॉप मंगाए थे वहां पर। अरे ये ले, अबे लेवल 3 के हेलमेट पे से देख रहे हैं, तो एक फ्लेयर ड्रॉप तो तुमने यहां पर देख लिया होगा, बंदे ने जस्ट अभी अभी मारा। अब इससे पहले कि उसके फ्लेयर आए सारे के सारे बंदे ओपन में चलते रश करते हैं और गाड़ी यहां पर क्या ही ठोकी है अपनी क्वीन मैडम ने, अब तो पेटी बनाएंगे और M249 का कमाल देखो बस तुम। चलो काफी सही M249 ओपी। अब इसका एक और टीममेट जो लास्ट टीममेट रहता है ना इनका, वो पीछे की तरफ से भागता भागता आता हुआ मेरे को दिखता है और इस बार भी उसको M249 प्लस 3x का ओपी स्प्रे देंगे। मैंने बचाई थी तुम लोगों की जान, रिवाइव करने के नहीं नेड मार दूंगा। अब अभी अभी इनकी स्क्वाड जस्ट निपटी थी यहाँ पर, इतने में एक और स्क्वाड यहाँ पर रश मार देती है, तो हाथ में M249 है, बेचारों को गाड़ी से उतरने नहीं देंगे, सीधा नॉक फिनिश डालेंगे। ग्रोजा दो मेरी वापस। अरे भाग, तीन तीन जा रही है। काफी सही M249 जस्ट अनबिलीवेबल भाई, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा डैमेज बढ़ गया होगा इस गन का, क्योंकि एक स्प्रे में पूरी पूरी स्क्वाड अगर चली जा रही है तो और क्या चाहिए तुमको। फिलहाल एक और गाड़ी होती मेरे को दिखती है डाजिया जो कि पीछे की तरफ आई थी, यहाँ पर रिवाइव देते पहले तो क्वीन को जो कि नॉक पड़ी हुई है, फिर इस बंदे को बजाने के लिए चलते हैं। और अगर तुमने यहाँ पर नोटिस किया हो तो मैंने जस्ट एक गोली मारी और अपने टीममेट्स के नाक के नीचे से यहाँ पर किल लिया। फिलहाल ये बंदा यहाँ पर अकेला आया था, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्यों अकेला आया था, बंदा कतई अल्ट्रा प्रो होगा तभी अकेला आया था, तो इसकी पेटी बन चुकी है। और इसकी जो पूरी पूरी स्क्वाड है ना वो दरअसल ईडी में किसी और स्क्वाड से ही फाइट ले रही है, तो वहाँ पर दो स्क्वाड की फाइट चल रही है, चलते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। देख सकता है प्लीज।
अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा ना, सारे के सारे बंदे जो इस घर के छत पे चढ़े बैठे हैं, पूरी पूरी स्क्वाड, जिसमें से कि दो बंदों को नॉक कर रखा है मेरे टीममेट्स ने, एक को मैंने यहाँ पे नेट डाल के नॉक कर दिया। अब वहाँ पे रिवाइव चल रहा होगा, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं हम यहाँ पर। अरे है, चलो चलो। और यार दिल से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को ये M249 प्लस 6X को 3X बनाकर स्प्रे मजा आ रहा होगा ना, तो लाइक कर देना यार वीडियो को जरूर से एक बार। अब देखो 16 किलो हो चुके हैं मस्त से। अब वापस से इस घर के छत पे ऊपर मैं चढ़ता हूँ ना, इतने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है जो कि मेरे टीममेट्स के ऊपर नेट करने में लगा हुआ था। तो काफी ज्यादा डैमेज दे रखा है मैंने बंदे को, मैं नहीं चाहता कि मेरा किल कोई और लेकर चला जाए। वैसे 50 गोली ठूस चुका हूँ लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ है। फाइनली इस बार ये बंदा यहाँ पर नॉक हो जाता है। और अब यहाँ पर सुनो अपने गुलू गुलू आर्मी भाई साहब क्या कहते हैं, मतलब अपने आर्मी एक्स भाई साहब। नेट से मारना है, रुक जाओ नेट से मारूंगा। ये फेंक दिया। अरे फेंक, बहुत सही। नहीं मतलब लास्ट का सिर्फ एक बंदा बच रहा है और उसके बीच में बकैती काटी जा रही है। यहाँ पर अपने टीममेट्स को नेट से उड़ाया जा रहा है। वैसे उन्होंने बोल दिया था कि मैंने फेंक दिया, लेकिन थोड़ा सा पहले बोल देते ना तो क्वीन यहाँ पर नॉक होने से बच जाती है, और अगर थोड़ा सा लेट बोला होता तो पक्का मैं भी नॉक हो जाता। फिलहाल लास्ट का एक ही बंदा बच रहा है जिसको मतलब किल मेरे खाते में नहीं आने वाला, किल मेरे टीममेट्स ले जाते हैं। तो आई होप तुम लोगों को आज की ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से पसंद आएगी। पसंद आए तो पता है यार, लाइक कर देना वीडियो को। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने गेमर गैंग के साथ हो सकते हो ऐसे तगड़े गेम प्ले वीडियोस देखते रहने के लिए। फिलहाल मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट तगड़े से गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। रुक जा, आर्मी साइड हो जा, इधर आ।